हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप भाई? सब मस्त हो गए, एकदम चिल आउट। तो आज मैं आपको फर्स्ट टाइम अपना दिखा रहा हूँ नाइट में, क्या मेरे यहाँ पे नाइट में कैसे रहता है और मेरे डॉग्स किस तरीके से रहते हैं पूरे तरीके से। और ये अपना भाई को, भाई पे मत जाना भाई, भाई ने भी थोड़ा एक्सरसाइज वर्कआउट कर लिया था, मेरे को तो गर्मी लग रही है इतना। ये वाला मेरा वो स्पेस है जहाँ पे हम बैठते हैं, ये अपना मेरे डॉग्स वगैरह का बॉडी है, इसमें अपना रहना सहना, और ये अपना डॉग्स का खाना वाना। पास में आके दिखा, इसमें रहता है अपना डॉग्स का फीड वगैरह, इसमें टॉय पपी फूड है, इसमें मतलब अलग अलग तरीके से जो भी फूड रखना है। ये अपना चॉज स्टिक्स वगैरह देख सकते हैं, ये बिस्किट्स वगैरह हैं, सब रखा हुआ रहता है। तो अभी और इस वाले रूम में मतलब गर्मी में मैं इसी रूम में रखता हूँ अपना जितने भी सारे डॉग्स हैं। और ये देख रहे हैं सारे डॉग्स मेरे नीचे खेल रहे हैं हमारे साथ में। तो अभी आ रहे हैं, आ जाओ। तो सारे डॉग्स अपने मेरे मस्त ऐसे घूमते हैं नीचे, देख रहे हैं इस स्टेशन को। पूरा घर का एनवायरमेंट दे के रखता हूँ ताकि इनको कोई अलग से फीलिंग महसूस ना हो। बच्चे सामने खेल रहे हैं, बच्चे भी साथ में, बिट्टो ये बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं। और अभी इनके खाने का भी टाइम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा अभी चिल्लाने लग रहे हैं। देखिए टफी थोड़ा एग्रेसिव होता है खाने के टाइम पे, कंसीव है टफी। तो अभी वो 15 डेज के अराउंड में पपी डिलीवरी करेगी। चार्ली को लग रहा है आज घुमाने के लिए लेके गया हूँ ना, तो इसके कोई कांटा लग गया। चार्ली स्टॉप नाउ, स्टॉप। तो चार्ली को एक कांटा लगा हुआ था, गोखरू टाइप का देख रहे हैं, क्योंकि हम बॉल्स वगैरह के साथ खेलते हैं तो ये कांटे चुभ जाते हैं। तो देख रहे हैं सारे डॉग्स ऐसे रहते हैं। और टफी देखो वहाँ पे बेटी और साइड में, वहाँ पे टफी है फीडिंग के, वहाँ पे बैठी हुई, ऊपर खाना रखा हुआ, उनका फीडिंग देने का टाइम है, तो वहाँ से हटेगी नहीं। इस टाइम पे थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है खाना खाने के टाइम पे, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे एग्रेसिव होती है वो। तो अभी वहाँ पे जाएंगे हम, तो वो बार्क करने लगेगी, भौंकने लगेगी, ये सारे डॉग्स वहाँ पे आ जाएंगे। आगे की तरफ दिखाता हूँ, देखिए कैसे भौंकेगी अभी। तो ये रहता है, यहीं पे बैठी रहेगी। तो आपको इस साइड का भी दिखा देता हूँ, ये अपना है जिम का, जहाँ वर्कआउट करता हूँ मैं, एक्सरसाइज वगैरह जो करता हूँ। तो पूरा स्पेस इस तरीके से नीट एंड क्लीन रहता है कि सारे डॉग्स ओपन रहते हैं, इनको बंद करके मैं किसी को भी नहीं रखता हूँ। और यहाँ से देखा पूरा साइड से, तो देख चार्ली कब देखें, ये अपना एक्सरसाइज करने का आपके भाई का ही शादी बाहर डालेंगे, पैर छिल जाएंगे मेरे, पकड़े मेरे हाथ छिल दिए। तो ऐसे ही रहता है। और ये वाला मोर रूम है, इसके अंदर ये फ्रेश वगैरह होते हैं, मतलब इनको बाथरूम या पोटी वगैरह करनी होती है तो इस रूम में जाके करते हैं, इस स्पेस में करते हैं। कोई कोई है डॉग जो बाहर भी कर देते हैं, बट जो एन एस है, जो ज़्यादातर डॉग्स हैं वो सब इसी के अंदर स्पेस में फ्रेश होते हैं, इनको इसी रूम की आदत है। और एक दो है जो डॉग जो इधर उधर कर भी देते हैं तो कोई इशूज नहीं होता है उस चीज़ का। और यहाँ लिया, सारे डॉग्स ऐसे ही रहते हैं ओपन। और इनको रात के टाइम पे नाइट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से रहते हैं। कुछ डॉग्स मेरे नीचे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, कुछ खुले होते हैं एकदम ही, जैसे चार्ली हो गया, चार्ली एंड टेडी जो है वो मेरे साथ नीचे रहते हैं घर में। और टफी जो बाकी के जो डॉग्स हैं इनके लिए इसमें बना के रखा हुआ है। अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ, थोड़ा टेम्परमेंट टाइप का ये मैंने इसमें कवर कर दिया है ताकि डॉग्स को क्या ओपन एरिया तो ज़्यादा ठंड ना लगे। अभी क्या छोटा स्पेस रहेगा अंदर की तरफ तो आराम से ये सो सकते हैं। इनके लिए अंदर वहाँ पे पूरा कंबल बिछाया हुआ है, अच्छा मोटा कंबल है, और यहाँ पे गद्दा डाला हुआ है, तो इसके अंदर पूरे में यहाँ पे सोते हैं। और अपना इसके अंदर ये रहते हैं, तो ये रहता है डॉग्स को ठंडी में, रात में मैं इसमें बंद कर देता हूँ कंसीव के टाइम पे। और कोई भी डॉग बार्किंग नहीं करता, भुगता नहीं है, लड़ता नहीं है, अननेसेसरी कुछ नहीं कहते, एक साथ आराम से बहुत प्यार से रहते हैं। अभी आपको पूरा मैंने दिखा दिया मेरे डॉग्स कैसे रहते हैं पूरे में, पूरा आप देख सकते हैं पूरा कितना ओपन है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है राइट में भी और उस साइड में भी, पूरा स्पेस काफ़ी है इनके पास खेलने के लिए। और ये देख रहे हैं ये भी यहाँ एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे भी मैं अपनी एक्चुअली वो ट्राइसेप वाली होती है ना मशीन, वो यहाँ पे फिट करनी है इस साइड में।
तो पूरा स्पेस ऐसे ही रहता है मस्त एकदम चिल आउट। तो सारे डॉग्स मेरे एक ही हैं, आपने ओपन रहते हैं सारे साथ ही रहते हैं। और कुछ अगर किसी भी बाइक को अगर डॉग्स वगैरह चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशूज नहीं है, आपको दिखा दो पास ही। आ जाओ डैडी टफी, आ जा चार्ली। तो बहुत जल्दी है मेरे पास है नहीं। और चार्ली के बाल अभी बहुत ज्यादा सिल्की हो गए, एकदम मस्त मक्खन ऐसे लगता है, पता नहीं कैसे मतलब इतने स्मूथ हेयर हो गए इनके। और अभी आप देख सकते हैं ये शिह त्ज़ू फीमेल मेरे पास फ्रेंड की मीट के लिए आई हुई है, तो अभी ये मीट करा दी है। अगर अभी 2 महीने बाद इसके पप्स अवेलेबल भी होंगे तो आप किसी भाई को चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई इशूज नहीं है। ये बहुत प्यार करते हैं, मेरा पीछा नहीं छोड़ती, ये बहुत प्रोटेक्टिव रहती है, मेरे बिना कहीं जाती नहीं है। तो अभी आपको दिखा भी दिया अच्छे से। चलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपको भी मेरा नाइट्स का भी दिखा दिया, फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ नाइट में मेरा कैसे रहता है। और हमारा मेरा जो ज़्यादातर या मेरे बच्चों का जो ज़्यादातर जो टाइम होता है वो सब ऊपर ही गुजरता है इनके साथ ही, ये नहीं है कि इनको बंद कर दिया है कुछ कर दिया, ऐसे नहीं, सब ओपन रहते हैं नाइट में भी 10 बजे तक, जब तक हम इनको बंद नहीं करेंगे जब तक ऊपर ही रहते हैं, ज़्यादातर टाइम ऊपर ही निकलता है। इनको इस तरीके की इन्वायरमेंट दे रखा है शुरू से ताकि फैमिलियर बच्चों के साथ अच्छे से रहना, हर तरीके का इनको ट्रेनिंग कि अननेसेसरी किसी को भौंकना नहीं है, किसी को बात नहीं करना है, कि अगर कोई भी आ जाता है तो। यही आपको दिखाना था नाइट में अभी कैसे रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कुछ पूछना हो तो भाई आप अपने भाई को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, सुबह शाम तक इन्हीं के साथ हो जाता है। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।